गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन एंड ऑल्सो यू आर एंजॉइंग आवर ऑनलाइन क्लासेस सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस इज जोडिस फोन ठीक है हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था इसमें क्या होता है कि जोडी नाम का एक बच्चा होता है उसके पापा जंगल जाते हैं उसके पापा को एक सांप ने काट लिया होता है तो फिर तो क्या होता है जब सांप उसको काटता है उसके पापा को तो वो क्या करते हैं तुरंत एक हिरण को मारते हैं और उनका हिरण का जो हार्ट होता है और लीवर होता है उसका यूज़ करके वो अपना जहर निकाल देते हैं मतलब एक तरीके से वो बच जाते हैं और जहर का एंटीडोट कहाँ से मिलता है हिरण के हार्ट से और लीवर से उसका जो बच्चा होता है जॉडी तो सॉरी तो उसके पापा बस जाते हैं अच्छा है सब कुछ सही चल रहा होता है बाद में जोडी के मन में आता है कि पापा आपने अगर उस बच अपने अगर उस, उस हिरण को मार दिया है तो जो हिरण का जो बच्चा था वो क्या कर रहा होगा उसके दिमाग में बात खटकता है चूंकि बच्चा है उसको थोड़ा सा यू नो जंगली जानवरों से थोड़ा सा प्यार भी है तो पापा का परमिशन लेता है कहता है कि पापा ये तो गलत बात है ना कि हमने उसकी माँ को मार दिया उसके बच्चे को हमने अकेला छोड़ दिया तो मोरलिटी ये कहता है कि हम जाएं जंगल जाएं और हिरण के बच्चों को ढूंढ के लेके आएं और अपने पास उसको रखें तो पापा बोलते हैं ठीक है मम्मी से बात करो तो मम्मी को जाता है कन्विंस करता है मम्मी भी मान जाती है और फिर मम्मी भी मान जाती है और वो फिर घोड़े पे मिल नाम का कैरेक्टर होता है उनके साथ बैठ के घोड़े पे चला जाता है ढूंढने ठीक है और जब जाता है उसको दिमाग में आता है कि यार कि जब मैं उससे मिलूँगा उस हिरण के बच्चे से तो वो जो पल है उसका ढूंढना उसको पकड़ना कितना हसीन होगा कितना बढ़िया होगा तो चाहता है कि जब मैं उसको मिलूँ तो मुझे कोई ना देखे मुझे और हिरण को कोई ना देखे तो बहाना मारता है मिल से कि सर आप चले जाओ घर मैं ढूंढ के वापस चला चलाऊँगा तो मिल वापस चले जाते हैं अपने घोड़े के साथ ये जाता है ढूंढता है ये वहीं जाता है जहाँ पे पापा ने उसके हिरण को मारा होता है तो जाके क्या देखता है कि हिरण को खाने वाले कुछ कुछ होते हैं ना जब गिद, गिद टाइप कुछ वल्चर्स आते हैं खाते हैं उसको और वो वहां पे ढूंढना शुरू कर देता है अब उसके आगे नेक्स्ट कहानी है मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड द फोन लिफ्टेड हिज इट्स फेस टू हिज इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड विद्रिंग मोशन एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईट तो ये जंगल में जाता है और सामने दिखता है कि जो फ़ोन है फोन मतलब हिरण का बच्चा वो आता है इसके सामने और बहुत ही बहुत चक्के से देखता है द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू एस और अपना सर अपना सर अपना चेहरा उठाता है और जॉडी को देखता है फिर वो थोड़ा सा पीछे हटता है डरता है उसकी आंखें जो होती है थोड़ा लिक्विड होता है ना मतलब आंख जो होता है आंसू से भरे होते हैं इट वॉज क्यूब्रिंग मतलब कि वो कांप रहा होता है इट मेड नो एफर्ट टू rise or run. और रन और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता है कि भागूँ या खड़ा हो जाऊँ क्योंकि बेचारा छोटा बच्चा होता है उसको दूध भी नहीं मिला होता है तो उसके अंदर ताकत भी नहीं रहता है क्योंकि उसकी माँ को उसके पापा ने मार दिया होता है जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट इन सेल्फ टू मूव तो जॉडी उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली जानवर कभी भी वहाँ से भग सकता है ही विस्पट इट्स मी और धीरे से बोलता है कि ये मैं हूँ मैं हूँ भगू मत मैं तुमको यहाँ पे लेने आया हूँ मैं तुमको बचाने आया हूँ द फोन लिफ्टेड इट्स नोस सेंटिंग हिम फोन अपना जो हिरण का बच्चा है अपना नोस उठाता है और उसको सूंघता है होता क्या है ना बेसिकली जो जानवर होता है पहले सूंघते हैं सूंघ के ही पता करते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है ये मेरे लिए सेफ़ है कि नहीं है रिस्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन सॉफ्ट मेक तो जॉडी होता है अपना हाथ आगे करता है उसके नेक पर ले जाता है उसको सलाने लगता है द टच मेड हिम डिलीरियस ठीक है जो जो टच मैं करता हूँ उसको जो जोड़ी जो, जो टच करता है उसको तो उसको बहुत ही बहुत अच्छा लगता है ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिहाइंड और धीरे धीरे वो आगे उसके पास चला आता है जोडिस के पास ही पुट इज आर्म्स अराउंड हिस बॉडी और अपना हाथ जो होता है ना उसके शरीर पे फेंक देता है जॉडिस के शरीर पे। अलाइड कन्वर्जन पास्ट ओवर इट बट ही डिड नॉट स्टे और एक शिविंग टाइप का कंपन टाइप का उसका पूरे बॉडी में होता है लेकिन वो हिलता नहीं है <coughs> आप फोटो में देख सकते हैं ना कि इसके हाथ में ये है ये जोडी जोडी बच्चा है और ये क्या है ये हिरण है हिरण का बच्चा है ही स्टॉप इट्स साइड्स एडजेंटली एज दो दॉर चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट और जो <coughs> जोड़ी होता है बड़े प्यार से उसको सहलाता है ऐसा लगता है कि वो एक चाइना का डियर है चाइना डियर मतलब क्या होता है कि चाइना डियर एक क्ले से बना हुआ होता है क्ले मतलब मिट्टी से बना हुआ होता है जो कि अगर कस के दाबों के दाब टूट जाएगा इतने प्यार से सहलाता है उसको कि कि वो कहीं टूट ना जाए कहीं भग ना जाए इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट उसका जो स्किन था बहुत सॉफ्ट था ईट का यूज क्यों किया गया जबकि लिविंग थिंग है क्योंकि इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इट आप लगा सकते हैं लिविंग थिंग के लिए भी कब अगर अगर वो जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास और बहुत ही पतला था शाइनी था और उसके बॉडी से ना ग्रास की स्मेल आ रही थी क्योंकि वो दिन भर ग्रास में ही था ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड और धीरे से उठता है और अपने हाथ में हिरन के बच्चों को उठाता है लेग्स हंग लिंपली और ऐसा लगता है कि उसका जो लेग है ना इसे टूट के लटक रहा है दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एस हाई एस पॉसिबल अंदर इसको उठाता है और उसको और ऊपर उठाने की कोशिश करता है जितना ऊपर हो सके उतना क्योंकि ये भी बच्चा ही होता है क्योंकि अगर उठाएगा नहीं तो फिर जो झाड़ियाँ हैं ना बड़े बड़े झाड़ियाँ हैं उसमें फंस जाएगा ही वॉज सफ्रेड एट इट माइट किक एंडलीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर उसको डर लगता है कि क्योंकि उसकी माँ का लाश तो भी वही होता है कि अपनी मम्मी का लाश सूंघ के कहीं उसको लात ना मार दे कहीं चिल्लाने ना लगे हिस्कॉटेड एंड क्लियरिंग एंड पुस्ट अवेज वे इन टू द थिकेट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइड ठीक है तो धीरे धीरे जॉडी उस हिरण के बच्चे को अपने हाथ में उठा के जो थिकेट्स होता है जो घ्रास होता है उसको साफ करते करते वो आगे निकलने लगता है थ्रू विद इस बर्डन बर्डन मतलब कि जो अपना हाथ में लेता है उसको बर्डन मानता है द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट इज ओन विथ फ्रीडम और क्या होता है उसके जो पैर होते हैं फोन कर ले बहुत लंबा होता है पतला होता है तो वो झाड़ी में फंस जाता है और वो अपने फ्रीडम से उसको उठा भी नहीं सकता है ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स ठीक है और जो जोड़ी होता है उसको उसका जो चेहरा होता है उसको बचाने के चक्कर में उसको एकदम ऊपर उठा के होता है कुछ कुछ पत्ते होते हैं ना कि अगर चेहरे पर लग जाते हैं तो कट जाता है तो उससे बचाता है इट्स हेड बॉम्ब विट हिस्स स्टाइल हिस्स आर्ट थम्प विद द मार्बल ऑफ इस इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज सी कुड अंटिली केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड ठीक है तो उसको उठाता है थोड़ा बहुत फंसता भी है वो क्योंकि ज, वो जंगल होता है बड़े बड़े झाड़िया होता है तो उसको साफ करते करते वो आगे निकल जाता है इंटरसेक्शन चला जाता है जहाँ पे उसका जो रोड आता है मतलब वो रोड पर आ जाता है जंगल से निकल के रोड पर आता है वहाँ से उसको घर जाना होता है ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इज डैंग लेग्स थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाता है और हिरण को के बच्चे को भी नीचे रख, रख देता है उसका जो पैर होता है ना थोड़ा सा कांप रहा होता है इट वेबर ऑन देम इट लुकड एट हिम एंड ब्लीटेड तो जैसे ही उसको नीचे रखता है जॉडी उस हिरण के बच्चे को नीचे रखता है तो हिरण चिल्लाना शुरू करता है ब्लीट होता है कि चिल्लाना मिमियाना बोल सकते हैं ही सैड इंशान्टेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई बेड तो जॉडी बोलता है कि अरे परेशान ना हो मैं तुमको घर लेके जाऊंगा परेशान ना हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रोड पे जस्ट मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ठीक है एक तरीके से बात करता है बच्चा है ना ही रिमेंबर्ड हिज फादर सिंग दैट अ फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट है तो उसको याद है कि उसको एक बात याद आता है अपने पापा का कि पापा बोलते हैं कि अगर तुम हिरण के बच्चों को अपने गोद में लेके कुछ देर चलो और उसको नीचे रख दो तो वो तुमको फॉलो करेगा मतलब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा स्टार्ट अवे स्लोली और धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू करता है द फोन स्टेड आफ्टर हिम और फोन उसको घूरता है ही केम बैक टू इट फोन मतलब वही हिरन का बच्चा याद रखिएगा ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ट इट एंड वॉकडे अगेन तो, तो जॉडी उसके पास आता है फिर से उसको स्ट्रोक करता है वो तो सहलाता है और फिर धीरे धीरे टहलना शुरू कर देता है इट टू के फी विंग स्टेप्स टू वर्ड्स ही इट वॉज विलिंग टू फॉलो हीम और धीरे धीरे जब चलता है उसका तो उसका जो पैरों तैर लड़खड़ाता है थोड़ा सा चिल्लाता भी है लेकिन वो उसका मतलब जो हिरन है ना वो जोडी को फॉलो करना चाहता है लेकिन उसका पैर में थोड़ा सा दर्द होता है इट बिलोंग टू हिम इट वॉज हिज ओन ही वॉज लाइट हेडेड विथ जो और धीरे धीरे वो उसके बढ़ता है उसके पीछे भी पीछ चलता है और बहुत खुश रहता है ही वॉन्टेड टू फोंडल इट टू रन एंड रोम विद इट टू कॉल टू इट टू कम टू होम ही डे आर नोट अलार्म इट ही पिक इट अप एंड कैरी इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर इज टू ऑम इट सिम टू हिम दैट ही ठीक है तो फिर क्या करता है जब दिखता है जॉडी कि उसके पैर में जान नहीं रह गया है उसको खाना नहीं मिला है उसकी मम्मी का डेथ हो गया है तो उसको गोद में उठाता है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है हीज आर्म्स बिगेन टू एंड ही वॉज फर्स्ट टू स्टॉप अगेन और क्या होता है चूंकि थोड़ा सा भारी भी होता है ना तो कुछ देर जा, जाने के बाद जॉडीज़ का जो आर्म्स होता है जो हाथ होता है वो दुखने लगता है तो फिर से वो रुक जाता है वेन यू वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वॉन्स और जब वो टहलता है थोड़ा दूर जाने के बाद तो उसका फॉलो करने लगता है ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस और कुछ देर के लिए तो वो जॉडी थोड़ा सा थक जाता है कुछ देर के लिए उसके पीछे पीछे फोन उसके पीछे, पीछे पीछे आता है देन पिक इट अप अगेन तो होता क्या है ना बेसिकली कहानी में चल क्या रहा है कि, कि उसको जंगल से लेके आता है फिर थक जाता है फिर रखता है उसको और चाहता है उसके पीछे पीछे आए लेकिन वो जो हिरण का बच्चा है वो इतना थक गया है उसे पीछे पीछे नहीं नहीं आता है फिर से अगेन उसको उठाता है रोड पे लेके जाता है फिर थक जाता है उसके हाथ दर्द करने लगते हैं इस बार उस उसको फॉलो करने लगता है पीछे पीछे और फिर से उसको उठा के वो चलने लगता है मतलब ये चल रहा है कहानी में द डिस्टेंस होम वॉस नथिंग और जो अब अब घर नज़दीक आ गया था ही कुड हैव वॉकड ऑल दे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो और ये जो उठना उसको ले कर गोदी में उठाना फिर नीचे रखना फिर उसका फॉलो करना ये सब जोड़ी को बड़ा अच्छा लगता है उसको इतना अच्छा लगता है कि वो दिन भर रात भर यही कर सकता है ही वॉस वेट विद स्वेट बट द लाइट ब्रिज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग उसका जो <coughs> वो पसीने से पूरा भीग गया था लेकिन जून के मॉर्निंग में ब्रिज मतलब कि एक कूल cool सा हवा होता है उसको बहता है उसको आराम देता है कूलिंग ही द स्काई वॉश एज क्लियर एस स्प्रिंग वाटर इन दम ब्लू चाइना कप he came to the clearing. it was fresh and green after the night's rain. he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage. ठीक है तो मौसम के बारे में थोड़ा बताता है कि जून का मौसम है अच्छा हो गया है उसको उठाता है और बहुत क्लियर हो गया क्योंकि रात में बारिश भी हुई थी तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम और भी क्लियर हो गया तो उसको उठाता है और फिर से उसको लेके चला आता है देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीस बेडरूम पेनी मतलब उसके पापा का नाम है विद अ फोन वॉकिंग बिहाइंड हीम तो उसके दिमाग में आइडिया आता है ऐसा क्यों ना ऐसा ना हो कि मैं उसको गोद में लेके ना जाऊँ मैं आगे आगे चलूँ और पीछे पीछे हिरन का बच्चा है पापा के रूम में मैं लेके जाऊँ बट एट द स्टेप्स द फोन बाट एंड रिफ्यूज टू क्लाइन देम और जो स्टेप होता है ना जब घर के अंदर घुसते हैं तो चौकअट होता है थोड़ा सा ऊंचा होता है तो वहाँ आके वो हिरण का बच्चा रुक जाता है और रिफ्यूज करता है चढ़ने के लिए पिकड इट अपड विन टू हिज फादर तो देखता है जॉडी की ये जान जाएगा नहीं तो उसको अपने गोद में उठा के और उसके पापा के पास लेके जाता है पेनी ले ले विद क्लोज साइड और चूंकि पेनी के अंदर अभी भी थोड़ा सा थोड़ा सा जहर बचा था वो अभी रिकवर कर रहे थे उनके पापा तभी तो उनका आँख बनता जोड़ी कॉल पा लुक जॉडी जाता है बड़ी खुशी से बोलता है पापा देखिए मैं क्या लेके आया हूँ पेनी टर्न हिज हेड जोडी स्टूड बिसाइड हिम द फोन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम इट इट्स टू पेनी दैट द बॉयज आईज़ ज द फोन आई ही एम ग्लैड यू फाउंड इट और पेनी मुड़ते हैं और देखते हैं कि उसके बगल में जोडी खड़ा है और उसके हाथ में फोन है उसके बाद में हिरण का बच्चा है और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से पेनी की आँख चमक रही है ठीक उसी तरीके से हिरण के बच्चे का भी आँख चमक रहा है और बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने इसको ढूंढ लिया जोडी दैन वेंट टू द किचन और फिर किचन में जाता है द फोन वो बल्ड आफ्टरनून और फोन जो होता है उसके बाद जैसे लगवाते हैं उसके पीछे पीछे आता है पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ द क्रीम हैड रिजन ऑन इट ये स्किम्ड द क्रीम इन टू ए जग ई पोर्ड मिल्क इन टू ए स्मार्ट गॉट ही फोन वो किचन में जाता है सुबह का जो दूध होता है उसको उठाता है उस पर एक छाली आ जाता है छाली को हटा के किनारे करता है और उसको ले जाके ना उसको बर्तन में उसको देता है पीने के लिए इटे सडनली स्मेलिंग न मिल्क उसको अच्छा लगता है कि ये दूध का स्मेल सुन के अच्छा लगता है। He dipped his finger in the in the milk and thrust them into the fond, soft wet mouth. वो क्या करता है? <coughs> एक मिनट उठ जाइए। हाँ, ये बचा था ना? अब ये मैं छोड़ देता हूँ। He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the bowl. ठीक है तो जाता है उसके पास तो दूध पी नहीं पाता छोटा सा बच्चा होता है तो जोटी दिमाग में आ ही रहता है, है उसे क्या करता है ही डिप हिज फिंगर वो हिज इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इन टू द फोन सॉफ्ट वेथ माउथ जोटी क्या करता है अपना चार उंगली लेकर दूध में डालता है और वही फिर से उसके मुंह में डाल देता है इट्स सकड ग्रेटली और जो हिरन का बच्चा होता है वो सक करता है उसको चूसने लगता है वेन ही विद ड्रॉ दैम इट ब्लीटेड फ्रेंडिकली अनबेड और जब वो खींचता है बाहर तो चिल्लाने लगता है क्योंकि क्या होता है जो जो जंगली जानवर होते हैं ना अपने माँ का दूध ऐसे ही पीते हैं वो तो ग्लास से या किसी बर्तन में नहीं पीते हैं ये डिप्ट हीज फिंगर अगेन एंड एज अ फोन सख्ड ये लॉड एम स्लोली और धीरे धीरे फिर उस उंगली दूध में डालता है फिर उसको मुंह में डालता है फिर धीरे धीरे करके उसको मिल्क के पास लेके जाता है द फोन ब्लू एंड सकड एंड स्नोटेड आप फोटो में देख सकते हैं ना देखिए ये जोड़ी है हिरंगन का बच्चा है ये बर्तन है इसमें दूध रखा है उंगली डालता है उसमें और फिर तो इसको उंगली में वो करता है इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुफ इम्पेशली एज लॉन्ग एज ही हेल इज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट ठीक है तो जब तक तो उसके मुंह में रहता है तो फोन बहुत ही कंटेंट रहता है तो संतुष्ट रहता है इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली इट वॉज एस्ट्रेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिसेन <coughs> और बहुत ही जॉडी को बहुत अच्छा लगता है कि उसका जो टंग होता है जो मुंह होता है जब वो चूसता है तो उसको बहुत अच्छा मज़ा आता है इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ होता है क्या ना कि जब जानवर खुश हो जाते हैं तो अपना अपना पूछ हिलाते हैं तो वो भी अपना पूँछ इधर से उधर हिलाता है द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन सुल ऑफ फोम एंड गर्लिंग ठीक है ना लास्ट का जो मिल्क होता है वो वो उसको फोम में हो जाता है उसको पीता है उसको पिला के खत्म कर देता है तो हमने क्या देखा इसमें कि जो जोड़ी होता है वो हिरण के बच्चे के लिए बहुत ही परेशान रहता है उसको लेके जाता है पकड़ता है उसको लेके कहानी क्या है कि उसको जंगल से लेके घर कैसे लाता है कैसे उसको पालता है पोसता है कैसे उसको दूध लाता है ये उसकी कहानी है थोड़ा सा टफ है ठीक है तो आपको करना क्या है आपको लाइन बाई लाइन इसको पढ़ना है अपने मन से टीचर का पढ़ाना इस नॉट सफिश जब तक आप उसको मन से खुद से नहीं पढ़ेंगे खुद से उसको डिकोड नहीं करेंगे खुद से मतलब नहीं निकालेंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो बेटर क्या है पेंसिल लेके बैठिए उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए कोई भी नया वर्ड्स आए उसको नोट डाउन कीजिए क्या कह रहा है सेंटेंस में उसको जानने की कोशिश कीजिए ठीक है इसका मीनिंग किताब के पीछे उसको नोट डाउन करना है कोई एक्स्ट्रा मीनिंग उसको भी नोट डाउन करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है क्लियर न चलिए एंजॉय कीजिए पढ़िए लिखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर